पूरे देश में दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दिन लोग रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाते हैं और साथ ही घर में स्वादिष्ट पकवान भी खाते हैं। वहीं दशहरे पर जलेबी खाने की परंपरा भी सदियों से चलती आ रही है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दशहरे पर जलेबी क्यों खाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। माना जाता है कि भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान उनके लिए फाफड़ों के साथ जलेबी तैयार करते थे। तब से मान्यता है कि जलेबी खाकर ही दशहरे पर व्रत खत्म करना चाहिए, इससे भगवान श्री राम प्रसन्न भी होते हैं। अब ऐसे में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जलेबी खाने के आपको क्या कुछ ज़बरदस्त फायदे मिल सकते हैं। जलेबी का सेवन करने से सिरदर्द की समस्या दूर हो जाती है और आराम मिलता है। जलेबी की मिठास आपकी चिंता और तनाव को भी दूर करती है। इसके अलावा जो लोग दुबलेपन से परेशान हैं वो जलेबी खाकर अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।